गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सर्वे 2. नाउ वी विल लर्न हियर यूनिट 2 कर्व एंड लेक्चर नंबर 5. सो हियर इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन वेरियस मेथड्स ऑफ लीनियर मेथड्स फॉर सेटिंग आउट ऑफ द कर्व. इसके पहले हमने जो लेक्चर 4 था उसके अंदर हमने ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, उसको कैसे सेट करना और उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, वो हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था. नाउ लीनियर मेथड्स जो है, इसके पहले हमने लीनियर मेथड देखी. सबसे पहले दैट इज ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, देन बाइसेक्शन, सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क मेथड, एंड देन ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट. ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट में भी हमने दो मेथड देखी, दैट इज रेडियल ऑफसेट देन परपेंडिकुलर ऑफसेट. देन वी हैव सीन ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस. तो जैसे जैसे सिचुएशन अलग अलग आ रही है, वैसे वैसे हम लोग अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कर्व जो है, रास्ते में जो हमको मोड़ बनाने पड़ते हैं अलाइनमेंट के अंदर, उसके लिए जो पॉइंट्स हमको मार्क करना पड़ता, उसके लिए कैसे हम लोग सर्वे का डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं और देन वी कैन मार्क द पॉइंट इन द फील्ड, दैट वी हैव सीन. तो इसके पहले हमने लीनियर मेथड्स हमने देखी और उसमें हमको सबसे ख्याल में यह रखना है कि ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस जो मेथड है, ये बड़े कॉर के लिए यूज होती है. सो नाउ वी विल नाउ, अभी इसके भी आगे उससे भी थोड़ी बड़ी कॉर है हमारी. अब तो ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस में भी हमारा क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कॉर्ड है उसको प्रोड्यूस कर रहे, फिर ऑफसेट ले रहे, फिर कॉर्ड को प्रोड्यूस कर रहे, फिर ऑफसेट ले रहे. ऐसा करने में प्रॉब्लम यह हो सकता है कि आपका जो कॉर्ड प्रोड्यूस्ड है उसके अंदर रेंजिंग करते समय यदि आपकी एरर आ गई तो आपका ऑफसेट लेने के बाद में जो पॉइंट आएगा उसमें भी एरर आएगी. फिर और एक आगे आप कॉर्ड को प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके अंदर भी रेंजिंग में यदि एरर आ गई तो और आगे वाले ऑफसेट में भी एरर आ सकती है. और इसके कारण से ऐसा हो सकता है कि कॉर्ड प्रोड्यूस और ऑफसेट मेजरमेंट में यदि एरर आ गई तो जहां से आपने कॉर्ड को मार्किंग करने शुरू किया था तो आप आखिरी के पॉइंट पे बराबर नहीं पहुंचेंगे. हो सकता है आखिरी में थोड़ा सा एरर आ सकता है आपका. सो व्हेन यू स्टार्ट एंड देर आर एरर, तो आपका आखिरी का पॉइंट बराबर कर जो है वो आखिरी के पॉइंट पे जाके नहीं मिलेगी. सो टू अवॉइड दिस, हमको जो मार्किंग और कैलकुलेशन और मेजरमेंट में के जो एरर्स है वो हमको एलिमिनेट करने चाहिए. सो टू रिड्यूस द एरर इन द मेजरमेंट, इन द मार्किंग, इन द सर्वे मेथड्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, वी हैव टू ट्राई टू एलिमिनेट द एरर एंड टू रिड्यूस द एरर. फिर लीनियर मेथड में जो मेजरमेंट करके हम लोग सारा चीजें कर रहे हैं, रेंजिंग करके और टेप से गिन के, उसके एरर कम करने के लिए हम लोग एडिशनल एक एंटिटी को यूज कर सकते, दैट इज एंगुलर मेजरमेंट. तो यदि हमने एंगुलर मेजरमेंट का इस्तेमाल किया तो हमारा जो कर्व के जो पॉइंट्स है उसको प्लॉट करने की एक्यूरेसी हम लोग बढ़ा सकते. एंड देयर फॉर नाउ वी विल लर्न वेरियस एंगुलर मेथड ऑफ सेटिंग आउट द कर्व. रास्ते पे का जो मोड है उसके जो कर्व को मार्क करना है हमको, उसके जो पॉइंट्स मार्क करने हैं, उसके लिए एंगुलर मेथड कौन सी है, दैट नाउ वी विल लर्न हियर टुडे. सो देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस. तो सबसे पहली मेथड है हमारी रैंकिन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल. सो वी विल सी वन बाय वन. सो इसके अंदर डिफ्लेक्शन एंगल का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं एंड देन वी विल ट्राई टू सेट द, बट हियर अलॉन्ग विद द मेजरमेंट, लेंथ मेजरमेंट, अलॉन्ग विद द रेंजिंग, अलॉन्ग विद द चेन, अलॉन्ग विद द टेप, वी हैव टू एडिशनली यूज द थियोडोलाइट, थियोडोलाइट फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल. सो दैट इज द रिक्वायर्ड टास्क. देन अनदर मेथड इज दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेथड. तो यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन मेथड के पॉइंट्स पता करेंगे एंड देन वी विल मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. देन अनदर इज टू थियोडोलाइट मेथड. सो दैट इज अनदर, स्टिल अनदर मेथड. ये डिफ्लेक्शन एंगल मेथड जो यहाँ पे हम लोग एक ही थियोडोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं और सारे कॉर को प्लॉट कर रहे हैं. और ज्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप दोनों एंड पे दो थियोडोलाइट इस्तेमाल करो ताकि बीच की जो कर है वो आपके बराबर एक्यूरेट आ जाए, उसके अंदर ज्यादा एरर ना आए. सो वी कैन अडॉप्ट टू थियोडोलाइट मेथड ऑल्सो. एंड इन सम केसेस हम लोग टैकोमेट्री का भी इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हमको मालूम है कि कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है तो टैकोमेट्री से हम लोग डिस्टेंस और वर्टिकल हाइट और एंगल कैलकुलेट कर सकते. सो ये भी टेक्निक हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं एंड बाय यूजिंग दिस ऑल्सो वी कैन सेट द मोर एक्यूरेट पॉइंट्स ऑन द कर्व ऑफ द रोड अलाइनमेंट. एंड नाउ वी विल सी फॉर
one by one. So first we will go for Rankine method of deflection angle or tangential angle. Now this method we will understand. Now you can see in this drawing, here we can see that तो अब हमारे यहाँ पास में यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है हमारा दिस इज अवर स्टार्ट पॉइंट T1 और इधर हमको ऐसा जाना है और ये हमारा है यहां से यहां तक का ये बैक टेंजेंट और ये यहां पर है हमारा पॉइंट V, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन V है। अब हमको क्या करना है कि ये जो कर्व है ये कर्व को प्लॉट करने के लिए इसके पहले के जो लीनियर मेथड थे वहां पे हमने सिर्फ रेंजिंग रॉड, पेग और मेजरिंग टेप और चेन इसका इस्तेमाल किया था। नाउ एडिशनली अलोंग विद दैट, नाउ इन दिस केस हियर वी विल यूज थियोडोलाइट फॉर एंगुलर मेजरमेंट। तो एक्यूरेट एंगल सेट करके भी हम लोग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते। तो अभी हमारा ये है कि ये इमेजिनरी पॉइंट है ए बी सी डी, ये हमारे कर्व पे आने वाले है, तो ये पॉइंट को हमको आइडेंटिफाई करके मार्क करना है। तो उसके लिए हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल या टेंजेंशियल एंगल का इस्तेमाल करेंगे एंड फॉर दैट दिस मेथड ऑफ वी हैव टू यूज दैट इज डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सो सबसे पहला तो ये जो हमारा टेंजेंट है तो मुझे ये T1 पॉइंट पे यहां पे थियोडोलाइट रखना पड़ेगा। सो आई विल सेट द थियोडोलाइट एट पॉइंट T1 और उसकी डायरेक्शन मैं फिक्स करूंगा यहां पर V पॉइंट की तरफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। तो मेरा थियोडोलाइट आगे देख रहा है उधर। अब यदि ये मेरा इमेजिनरी पॉइंट है सपोज A, तो ये A पॉइंट को यहां ज्वाइन करने के बाद में मेरा ये बन रहा है कॉर्ड, दिस इज माय फर्स्ट कॉर्ड। इसके पहले मेथड भी हमने देखा, तो ये जो कॉर्ड है इसमें का जो बीच का एंगल है दिस एंगल इज कॉल्ड एज Δ1 डिफ्लेक्शन एंगल, यानी टेंजेंट की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट किया तो ये एंगल बनेगा आपका और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेंजेंशियल एंगल, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड दैट इज फर्स्ट एंगल Δ1 डिफ्लेक्शन एंगल। तो ये Δ1 हमको यदि पता होगा तो हम लोग थियोडोलाइट से रोटेट करके ये डायरेक्शन को पता कर सकते। सो व्हाट दिस डायरेक्शन इज दैट वी कैन सेट बाय यूजिंग थियोडोलाइट। अब वो डायरेक्शन पे थियोडोलाइट आपका भी आपने रोटेट कर लिया देखेगा बराबर, और फिर आपको जो डिस्टेंस दिया है फर्स्ट सब कॉर्ड का उतना डिस्टेंस आप लोग यहां पे मार्क कर सकते, तो आपको ये वाला पहला पॉइंट मिल जाएगा फिर। सो दिस पॉइंट यू विल गेट। तो थियोडोलाइट टेंजेंट डायरेक्शन पे सेट किया, उसको Δ1 डिग्री से रोटेट किया और फिर वो डायरेक्शन के ऊपर आपने डिस्टेंस कॉर्ड का मार्क कर दिया, सो पहला हमको मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि सपोज ये कॉर्ड को आगे बढ़ाने के बाद में, यानी अभी आपका ये कॉर्ड को आगे बढ़ाया और ये आगे का नया कॉर्ड है, तो फिर से ये हो जाएगा Δ2 दूसरा एंगल डिफ्लेक्शन एंगल Δ2 कॉर्ड प्रोड्यूस और ये वाला कॉर्ड नया वाला, तो ये एंगल हो गया Δ2। तो ये Δ2 यदि मुझे पता है तो ये Δ2 के हिसाब से ये वाला पॉइंट मैं सेट कर सकता हूं, लेकिन मुझे उसके लिए फिर ये थियोडोलाइट उठा के यहां पर रखना पड़ेगा। तो हम वैसा नहीं करेंगे, थियोडोलाइट बार बार हलाएंगे नहीं, थियोडोलाइट हमारा यहीं रहेगा, लेकिन ये लाइन यदि मैं यहां ज्वाइन करता हूं तो ये मेरा नया कॉर्ड बन जाएगा। तो ये जो नया कॉर्ड है, ये कॉर्ड और ये टेंजेंट लाइन हमारी, इसका एंगल हम लोग निकाल सकते जो कि हमारा इतना बड़ा एंगल हो जाएगा। सो दिस इज Δ2, ये होगा हमारा टेंजेंशियल एंगल, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड। अब ये बी पॉइंट के लिए ये वाला कॉर्ड है हमारा, तो वो हो जाएगा Δ2, तो वो Δ2 हो जाएगा Δ1 + Δ2, ये दोनों छोटे वाले ये Δ1 डिफ्लेक्शन एंगल है, Δ2 दूसरा डिफ्लेक्शन एंगल है, और दोनों के टोटल मारेंगे तो टोटल Δ2 मिलेगा। तो ये Δ2 एंगल यदि हमको मालूम है तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, यहां पे जो थियोडोलाइट रखा आपने उस थियोडोलाइट को फिर डायरेक्शन रोटेट कर सकते हैं ऐसी, तो थियोडोलाइट हमारा इधर देखेगा। और यदि ये डिस्टेंस हमने ये हमको मालूम होगा, समझ लो डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो ये डायरेक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, एक रेंजिंग रॉड रखेंगे और ये जो पहला पॉइंट है ए पॉइंट, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हमको मालूम है बिकॉज इट इज 20 मीटर, पेग इंटरवल हमने लिया 20-20 मीटर का,
तो यहां से 20 मीटर का अंतर डिस्टेंस मार्क करेंगे और यहां पे ऐसा पॉइंट पता करेंगे कि जो ये थियोलाइट में से आपको दिखना चाहिए. सो दिस डायरेक्शन इज सेट बाय एंगल डेल्टा 2 एंड द पॉइंट इज मार्क बाय मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम ए दैट इज पेग इंटरवल. तो ये 20 मीटर का भरना चाहिए और ये एंगल डेल्टा 2 भरना चाहिए. इस प्रकार से आप ये बी पॉइंट को भी पता कर सकते हैं. इसी प्रकार से यदि डेल्टा 3 एंगल आपको पता है तो आप क्या करो, थ्योलाइट को और रोटेट करो डेल्टा 3 एंगल से, यानी इधर थ्योलाइट देखेगा और ये लाइन के ऊपर आप एक रेंजिंग रॉड लेना है आपको और वो रेंजिंग रॉड ऐसा आगे पीछे ऐसा मूव करना है इधर. लेकिन कहां रखना है उसको, ताकि बी से उसका जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर आ जाए. सो दिस वी हैव टू फिक्स 20 मीटर एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय थ्योलाइट. तो इस प्रकार से आपको डायरेक्शन जो मिल रही है वो मिल रही है थ्योलाइट से और डिस्टेंस मिल रहा है प्रीवियस पॉइंट से और ऐसा करके नया पॉइंट आपको मिल रहा है. सो इन दिस वे हम लोग फील्ड में जाने के बाद में यदि आपको ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 यदि मालूम है तो एंगुलर मेजरमेंट से हम लोग पॉइंट की जो डायरेक्शन है, कर्व के जो पॉइंट है इमेजिनरी पॉइंट, उसकी डायरेक्शन थ्योलाइट से फिक्स कर सकते और फिर प्रीवियस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर कर करके वो पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते विद द हेल्प ऑफ थ्योलाइट विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट T1. सो इन दैट वे वी कैन ऑल्सो सेट दिस कर्व. तो इसमें आपको क्या है कि आपको सिर्फ यहां पे थ्योलाइट लेके खड़ा होना है. पहला टेंजेंट पॉइंट की तरफ, टेंजेंट डायरेक्शन की तरफ सेट करना है थ्योलाइट को, ये सेट कर दिया. फिर डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा वन ले से रोटेट करो उसको, तो ये डायरेक्शन हो गई. अब ये डायरेक्शन पे आप कॉर्ड डिस्टेंस कितना है उतना मार्क कर लो तो एक पॉइंट मिल जाएगा आपको. फिर एंगल को बढ़ाओ और थ्योलाइट का एंगल फिर और बढ़ जाएगा ऐसा. सो नाउ थ्योलाइट विल वॉच टूवर्ड्स पॉइंट बी और फिर ए पॉइंट से 20 मीटर का डिस्टेंस मार्क करना है, यानी डिस्टेंस ए से बी 20 मीटर होना चाहिए और डायरेक्शन थ्योलाइट के लाइन में होना चाहिए आपका रेंजिंग रॉड बराबर. तो जहां रेंजिंग रॉड फिक्स करेंगे वो दैट विल बी पॉइंट बी. फिर से थ्योलाइट से एंगल बढ़ाएंगे. अब रेंजिंग रॉड ये लाइन पर होगा लेकिन उसका डिस्टेंस बी से होगा 20 मीटर. सो इस प्रकार से हम लोग ये पॉइंट भी ऐड करेंगे एंड वी कैन रिपीट दिस प्रोसीजर टिल यू कैन रीच टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. तो इस प्रकार से एंगल मेजरमेंट करके हम लोग हमारे पॉइंट्स को सेट कर सकते एंड देयरफॉर दिस मेथड इज कॉल्ड एज रैंकिन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल और टेंजेंशियल एंगल. यानी आप डेल्टा वन बोले तो डिफ्लेक्शन एंगल और ये कैपिटल डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू है जो है ये टेंजेंशियल एंगल. सो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा फिर अब, तो हमको ये पॉइंट्स को पता करने के लिए एक तो ये डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री डिफ्लेक्शन एंगल चाहिए. अब ये फिगर की ज्योमेट्री यदि आप देखते हो तो ये टेंजेंट को ये रेडियस परपेंडिकुलर है. अब इसके ऊपर यदि आप 20-20 मीटर के पॉइंट ले लेते हो ऐसे कर्व के ऊपर, तो ये जो एंगल होता है ये एंगल होता है 2 डेल्टा 1. यानी 2 डेल्टा 1 बोले तो डेल्टा 1 कौन सा रहेगा, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में का एंगल रहेगा डेल्टा 1. तो ये डेल्टा 1 यदि है तो इसके आगे का इधर का जो है वो हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा 1, इधर का भी 90 माइनस डेल्टा 1 और फिर वो ट्रायंगल की 180 टोटल है. सो 180 माइनस 90 माइनस डेल्टा 1 90 माइनस डेल्टा 1 तो ये बचेगा 2 डेल्टा 1. तो ये एंगल हो जाएगा 2 डेल्टा 1. सो दिस एंगल इज 2 डेल्टा 1. यदि फिर ये वाला कार्ड प्रोड्यूस का एंगल डेल्टा 2 है तो ये एंगल हो जाएगा 2 डेल्टा 2 2 डेल्टा 3. तो इस प्रकार से हर एक कार्ड के लिए इंक्लूडेड एंगल कितना है, तो ये कार्ड के लिए 2 डेल्टा 1 है, ये कार्ड के लिए 2 डेल्टा 2 है, ये कार्ड के लिए 2 डेल्टा 3 है. ये हमको ज्योमेट्रिकली पता है कागज के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर पता है कि ये एंगल इतना होता है करके. तो ये एंगल कितना रहेगा डेल्टा 1 वो निकालना पड़ेगा. उसके लिए हमको क्या लगेगा, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है ए से लेके बी तक, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल कॉर्ड दैट इज 20 मीटर. तो यदि ये 20 मीटर रहता है तो फिर ये डेल्टा 2 कितना रहेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट बाय फार्मूला. तो यदि वो हमने कर लिया तो हम लोग हर एक पॉइंट के लिए जो ये एंगल बन रहा है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सो डिफ्लेक्शन एंगल वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड वो एंगल यदि हमने कैलकुलेट कर लिया तो फिर हम लोग ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 पता कर सकते और फिर कैपिटल डेल्टा 1 कैपिटल डेल्टा 2 कैपिटल डेल्टा 3 ये भी पता कर सकते.
क्योंकि फिर आपको एंगल ही ऐड करते जाना है. सो इन दिस वे, सो फॉर हियर नाउ वी हैव टू रिमेंबर दैट दीज आर अवर सम ऑफ द फॉर्मूलाज. तो पहला फॉर्मूला हमारा है क्या, डेल्टा का. उसको डिराइव कैसा करना है वो हम लोग देखेंगे. सो दैट डिफ्लेशन एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 90 इंटू 60 सी डिवाइडेड बाय पाई आर एंड इट कम्स आउट टू बी 1718.9 सी अपॉन आर इन मिनट्स. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज इन मिनिट. सो 1718.9 सी अपॉन आर, दैट फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर फॉर डिफ्लेक्शन डेल्टा, डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा. सिमिलरली फिर कैपिटल डेल्टा यदि निकालना है आपको, अब ये कैपिटल डेल्टा लगेगा तो कैपिटल डेल्टा और स्मॉल डेल्टा ये पहले वाले कॉर्ड के लिए एक जैसे ही होने वाला है क्योंकि टेंजेंट और कॉर्ड में का एंगल उतना ही है, सब उतना ही है. सो हियर देयरफॉर डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा वन, दैट इज सेम अगेन. सो हियर तो ये वाला डेल्टा वन कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल डेल्टा वन, यानी टेंजेंशियल एंगल इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एंगल फॉर फर्स्ट कॉर्ड, दैट यू हैव टू रिमेंबर. फिर सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टू, तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू हो जाएगा. सो देयरफॉर डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस स्मॉल डेल्टा टू, यानी आगे आगे बढ़ाते जाओ. फिर कैपिटल डेल्टा थ्री करेंगे तो कैपिटल डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री, और ऐसा अगर कैपिटल डेल्टा एन निकालना है तो कैपिटल डेल्टा एन माइनस वन प्लस डेल्टा एन, ऐसे फार्मूले हमारे तैयार हो जाएंगे. अब इसके अंदर मेन है कि हमारा ये डिफ्लेक्शन एंगल पहले निकालना पड़ेगा डेल्टा वन. तो डेल्टा वन यदि निकल गया, फिर डेल्टा टू डेल्टा थ्री ये निकल गया, तो कैपिटल डेल्टा वन डेल्टा टू निकाल सकते. और फिर ये मेथड से हम लोग थ्योरलाइट का इस्तेमाल करके जो हमारे ये जो कर है इसके पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग मार्क कर सकते. तो दिस इज सिंपल मेथड, दैट इज रैंकिन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल और रैंकिन मेथड ऑफ टेंजेंशियल एंगल. सो हियर वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड देन वी कैन गो फॉर सॉल्विंग द कैलकुलेशन, वैल्यू कैलकुलेशन. अब इसके अंदर ये जो फार्मूला है हमने, जो हमारा डेल्टा वन का हमने लिखा था, वो फार्मूला कैसा आया, दैट वी विल अंडरस्टैंड हियर. सो नाउ हियर ये जो हमारी इसके पहले की हमने फिगर देखी वाली है, ये वाली फिगर, ये फिगर में हमको अभी यहाँ से ये जो टी वन ए और टी वन ए वन ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को हमको यहाँ पर कंसीडर करना है. सो हियर नाउ वी विल सी कि यहाँ पे हमारा ये, सो दिस एंड दिस एंगल इज देयर, और ये लाइन हमारी ऐसी है कॉर्ड, और यहाँ से हमारा जा रहा है टेंजेंट, और ये सिमेट्री वाली लाइन हो गई यहाँ से हमारी ऐसी. अब ये जो कर्व है ये आगे आगे जा रही है. सो दिस इज वी एंड दिस इज टेंजेंट पॉइंट टी वन, और ये पॉइंट आएगा आपका ए, और ये एंगल है हमारा टू डेल्टा वन. एक्चुअली ये टेंजेंट और रेडियस इसका एंगल होता है तुम्हारा राइट एंगल, यानी ये वाला राइट एंगल है, और राइट एंगल में से ये जो पहला एंगल है ये वाला, ये है डेल्टा वन, यानी डिफ्लेक्शन एंगल वन. तो ये डिफ्लेक्शन एंगल वन है, तो ये यदि सिमेट्रिकल ट्रायंगल है तो ये भी हो जाएगा डेल्टा वन. अब ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल डेल्टा वन है, तो इसका अंदर का एंगल हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा वन, और ये इधर का भी अंदर का एंगल जो है हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा वन. तो ये दोनों 90 माइनस डेल्टा वन है. अब ये जो ट्रायंगल बन गया इसकी टोटल है 180. सो 180 माइनस 90 माइनस डेल्टा वन माइनस 90 माइनस डेल्टा वन, तो हमारा बचता है 2 डेल्टा वन. सो हियर ये जो एंगल है ये 2 डेल्टा वन आता है, ये हमको पता चल गया, बिकॉज दिस एंगल इज 90 माइनस डेल्टा वन, दिस एंगल 90 माइनस डेल्टा वन, और 180 में से ये दोनों एंगल यदि माइनस करते हम लोग, सो ये आपको बचेगा, यानी ये जो एंगल है ये हमने कैसा निकाला, 180 माइनस 90 माइनस डेल्टा वन माइनस 90 माइनस डेल्टा वन. तो 180 माइनस 90 माइनस 90 ये कैंसिल हो गए, और ये माइनस डेल्टा वन का प्लस डेल्टा वन हो गया, यहाँ पे प्लस डेल्टा वन हो गया, तो ये हो गया 2 डेल्टा वन. सो दिस इंक्लूडेड एंगल इज 2 डेल्टा वन, दैट वी हैव प्रूव्ड कि जो पहला कार्ड जो है वो पहले कार्ड के हिसाब से ये एंगल 2 डेल्टा वन होता है. यदि दूसरा कार्ड हम लोग पकड़ेंगे इधर का, तो ये एंगल यहाँ पे हो जाएगा 2 डेल्टा 2. सो
यानी ये जो एंगल है वो है यहाँ पर डेल्टा टू है, प्रीवियस कार्ड एंड नेक्स्ट कार्ड इसमें का एंगल ये हमारा है डेल्टा टू। सो डिफ्लेक्शन एंगल वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस। अब ये डेल्टा टू डेल्टा वन यदि हमको पता चल गया तो अब इस पे से हमको हमारा कैलकुलेशन करके हमारा डेल्टा वन की वैल्यू कितनी आएगी वो हमको निकालना है यहाँ पे। अब डेल्टा वन की वैल्यू निकालने के लिए यू कैन वॉच हियर कि एंगल वी टी वन ए यानी वी टी वन ए ये एंगल कितना है हमारा, तो वो आ जाएगा हमारा हाफ टी वन ओ ए यानी टी वन ओ ए इसके आधा यानी टू डेल्टा वन के आधा यानी डेल्टा वन, दिस इज डेल्टा वन। तो ये एंगल हमको पता है। अब ये एंगल टी वन ओ ए ये एंगल यदि हम लोग लेते हैं तो ये होता है हमारा टू डेल्टा वन, वो भी हमने देख लिया। अब इस पे से अब आप देखो कि यहाँ पे आर्क लेंथ हमारी जो है आर्क लेंथ हमारे टी वन से लेके ए तक, सो इतनी कर हमारी होने वाली है यहाँ पे, मैं उसको गुलाबी कलर से निकालता हूँ। सो दिस कर्व इज सपोज दिस वन, तो आर्क लेंथ हो जाएगी टी वन ए। टी वन ए के लिए हमारा जो कॉर्ड डिस्टेंस है वो है हमारा सी वन, यानी सी वन कॉर्ड के लिए हमारी ये वाली पहली आर्क है इतनी, फिर इसके आगे की आर्क रहेगी, फिर ऐसी आर्क रहेगी, ऐसी करके बड़ी आर्क है हमारी। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते कि 360 डिग्री के एंगल के लिए हमारा सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, ये सबको मालूम है हमको। सो फॉर 360 एंगल पेरीमीटर इज 2 पाई आर, तो फिर 2 डेल्टा वन एंगल है हमारा इतना वाला ये, तो इतने डेल्टा वन के लिए इतना पेरीमीटर कितना रहेगा। सो फॉर ये पेरीमीटर हमको निकालना है, सो फॉर 2 डेल्टा वन हमारा पेरीमीटर कितना है कॉर्ड के इतना करीब करीब, यानी दैट इज इक्वल टू सी वन। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेट कर सकते कि यहाँ पे 360 डिग्री के लिए पेरीमीटर हमारा ट्वाइस पाई आर है, तो 2 डेल्टा वन एंगल के लिए यानी इतने एंगल के लिए कॉर्ड है हमारा सी वन का, सो कॉर्ड लेंथ है हमारी यहाँ पे सी वन की। अब इसको यदि हम लोग रीअरेंज करते हैं तो यहाँ से तो ये कट गया 180 आ गया, यहाँ पे ये 2 से यहाँ कट गया, सो ये 90 आ गया। अब ये डेल्टा वन इज इक्वल टू 90 इंटू सी वन डिवाइडेड बाय पाई आर, सो हियर डेल्टा वन इज इक्वल टू 90 इंटू सी वन डिवाइडेड बाय पाई आर, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल का। तो यही फार्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, डिफ्लेक्शन एंगल का फार्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये जो फार्मूला है इसको ये फार्मूला आ गया हमारा डिग्री में, अब इसको डिग्री की जगह मिनट में करने का है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 60, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे सो ये हो जाएगा 90 इंटू 60 इंटू सी वन अपॉन पाई आर, तो डेल्टा वन एंगल मिनट में निकलेगा आपका बराबर यहाँ पे। अब ये इसको यदि सॉल्व करते आप पाई की वैल्यू भी हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, सो वी विल गेट द फार्मूला फॉर दैट डेल्टा वन, ये फार्मूला बनेगा हमारा डेल्टा वन इज इक्वल टू 1718.9 सी वन अपॉन आर, जबकि सी वन हमारा पहला कॉर्ड है और आर है रेडियस ऑफ द कर्व, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इसका है मिनट में। रिमेंबर दैट वी हैव टू रिमेंबर द फार्मूला फॉर डेल्टा वन इज 1718.9 सी वन अपॉन आर इन मिनट। फिर सी टू निकालना है, डेल्टा टू निकालना है तो 1718.9 सी टू अपॉन आर, फिर दूसरा कॉर्ड, फिर डेल्टा थ्री निकालना है तो 1718.9 सी थ्री अपॉन आर, तो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री ये सब एंगल हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। अब ये एंगल से हमको यहां पे ये पता चल गया कि ये 2 डेल्टा वन है, तो ये स्मॉल डेल्टा वन है और डेल्टा वन का फॉर्मूला फिर 1718.9 सी अपॉन आर इन मिनट, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते। सो दिस डेरिवेशन कैन ऑल्सो बी आस्क इन द एग्जामिनेशन कि डेल्टा वन का फॉर्मूला 1718.9 सी वन अपॉन आर कैसा आता है, सो इट इज वेरी सिंपल। 360 डिग्री के लिए ट्वाइस पाई आर पेरीमीटर है और 2 डेल्टा वन के लिए सी वन है, तो फिर यहां से डेल्टा वन निकाल लो, इट कम्स आउट टू बी 90 सी वन अपॉन पाई आर, इसको मिनट में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 एंड देन यू कैन सॉल्व इट, सो यू विल गेट डेल्टा वन इज इक्वल टू 1718.9 सी वन अपॉन आर। नाउ दिस फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर, दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, सो दैट वे वी हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला फॉर डेल्टा वन, सो वी कैन रिवाइज दैट डेल्टा वन हियर इन दिस केस डेल्टा वन इज इक्वल टू 1718.9
C1/R min. This we have to remember, deflection angle for Rankine method of deflection angle. ये formula हमको याद हो गया. Now, accordingly, we can now calculate delta 1, delta 2, delta 3, delta 4. जितने भी chord होंगे हमारे C1, C2, C3, C4, वो calculate कर लेंगे हम लोग. तो हमको वो सारे जो calculation है, वो हम लोग कर सकते. अब ये जो calculation करेंगे हम लोग, तो फील्ड में हमको ये मार्किंग करने के जाने के पहले हमको ये पूरा टेबल जो है यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है डिफ्लेक्शन एंगल मेथड का या रैंकिन एंगल मेथड का, सो फर्स्ट इज हियर राइट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन द पॉइंट, यानी पॉइंट आएगा पहला. सपोज फॉर हियर नाउ वी विल राइट डाउन पॉइंट नंबर पॉइंट हो जाएगा हमारा ए. अब पहले पॉइंट के लिए चेनेज कितना है, सो चेनेज हमने यदि कैलकुलेट किया होगा, सो 1050 मीटर जो भी है चेनेज है वो लिख दो यहाँ पे. फिर पहले कॉर्ड लेंथ, कॉर्ड लेंथ यानी C1, जैसा कि हमारे इसके पहले प्रॉब्लम में 9.48 आया था, तो कॉर्ड लेंथ C1 लिख देंगे हम लोग. फिर यहाँ पे टेंजेंशियल एंगल डेल्टा 1 हमको लिखना है. टेंजेंशियल एंगल डेल्टा 1 यानी स्मॉल वाला, तो हमने फार्मूला उसके लिए डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1718.9 C/R, ये फार्मूला हमने निकाला. तो आपको यहाँ पे डिग्री मिनट और सेकंड में ये एंगल लिखना पड़ेगा. ये हो गया स्मॉल डेल्टा 1, दिस इज डेल्टा 1 टेंजेंशियल एंगल, एंगल बिटवीन प्रीवियस कॉर्ड टेंजेंट एंड कॉर्ड नेक्स्ट कॉर्ड, तो ये टेंजेंशियल एंगल होगा. लेकिन अपने को मार्किंग करने के लिए कैपिटल डेल्टा चाहिए, डिफ्लेक्शन एंगल चाहिए, यानी टेंजेंट कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है ए पॉइंट के लिए, फिर बी पॉइंट के लिए, फिर सी पॉइंट के लिए, तो एंगल बढ़ते जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल. सो डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा जो है ये हमको फिर डेल्टा 1 फिर आगे के लिए डेल्टा 2 प्लस प्लस करते जाना पड़ेगा, तो ये एंगल बढ़ते जाएंगे हमारे डेल्टा और कैपिटल डेल्टा. सो डिफ्लेक्शन एंगल वी हैव टू कैलकुलेट. अब ये जो डिफ्लेक्शन एंगल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करने के बाद में फिर एक्चुअल थियोडोलाइट रीडिंग कितना लेना है वो अपने को सेट करना पड़ेगा. अब हमारा जो थियोडोलाइट होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 20 सेकंड. तो जो भी एंगल आपका यहां पर आ गया, सपोज यहां पे आ गया 6 degree 29 minute 17 second, ऐसा आ गया, तो ये 17 सेकंड हम लोग मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट कितना है 20 सेकंड. तो ये जो एंगल है हमारे डिफ्लेक्शन एंगल, रिमेंबर कैपिटल डेल्टा, इसको हमको राउंड करना पड़ेगा, थियोडोलाइट एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. थियोडोलाइट एंगल कितना हो जाएगा फिर इसका, तो वो हो जाएगा 6 degree 29 minute, और ये 17 के लिए अपने को 20 सेकंड करना पड़ेगा क्योंकि हमारा थियोडोलाइट 20 सेकंड के मल्टीपल में ही एंगल गिन सकता है क्योंकि हमको एंगल थियोडोलाइट से सेट करना पड़ेगा. सो ये वाले चौथे कॉलम में सारे एंगल हमको 20 सेकंड के मल्टीपल में राउंड करने पड़ेंगे बराबर. सो यू विल गेट ऑल एंगल एंड अकॉर्डिंगली ये सब एंगल यदि आपको मिल गए तो फिर आप पॉइंट ए बी सी डी जो भी कर के पॉइंट आपने सेट किए थे उसके लिए आपको क्या करना है, थियोडोलाइट रख दो पहले टेंजेंट डायरेक्शन की तरफ, थियोडोलाइट को जीरो एंगल पे सेट कर दो और फिर पहला डिफ्लेक्शन एंगल लो, उतना रोटेट करो एंगल थियोडोलाइट को और वो डायरेक्शन के ऊपर एक रेंजिंग रॉड गिन लो कॉर्ड डिस्टेंस के ऊपर. सो डिस्टेंस गिन के वहां पे एक कॉर्ड पॉइंट आ जाएगा. फिर थियोडोलाइट का एंगल बढ़ाओ ऐसा, फिर वहां से 20 मीटर गिनना पड़ेगा पहले पॉइंट से तो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा. फिर थियोडोलाइट का एंगल बढ़ाओ, फिर यहां से 20 मीटर बढ़ाना पड़ेगा. सो लाइक वे वी आर मार्किंग द फर्दर पॉइंट्स बाय इंक्रीजिंग द डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ द थियोडोलाइट एवरी टाइम एंड मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट. कॉर्ड का डिस्टेंस प्रीवियस पॉइंट से गिनना पड़ेगा. सो दिस वे वी कैन सेट द कर्व. बट दिस मेथड बिकॉज वी आर यूजिंग द थियोडोलाइट, तो बड़ी कर्व भी इसके लिए हम लोग सेट कर सकते, इसके अंदर एरर आने के चांसेस कम हो जाते, जैसा कि पहले ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस में एरर आ सकती है ज्यादा बिकॉज ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर देयर. बट हियर देयर आर डिफ्लेक्शन एंगल्स वी आर मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट, सो दैट एरर्स वी आर गेट एलिमिनेटेड एंड दैट वे वी कैन मार्क द कर्व इन द फील्ड. सो हियर इन दिस लेसन वी हैव सीन वेरियस एंगुलर मेथड्स आर देयर, 4 मेथड्स वी हैव सीन एंड देन वी हैव डिराइव द फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन एंगल. सो दैट इज डेल्टा 1 डिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू 1718.9
C1 upon R, C upon R. C is the chord length and R is the radius of the curve. So, और वो जो वैल्यू होती है वो मिनट में होती है. That formula we have derived here and then we have seen how to mark the curve by using method of deflection angle. So now here we will solve one of the problem based on this. So that problem will give you the idea regarding how these calculations are done. तो ये पहला ही problem हमने इसके पहले offset from chord produced से solve किया था. Same problem हमको अभी करना है solve Rankine method of deflection angle से. So in the next lecture we will see that how this will be solved, and after that then we will go for lecture 6. That lecture 6 is that is method of locating the curve by point of intersection and two theodolite method. ये आगे के दो method हम लोग उसके अंदर देखने वाले. So thank you for this lecture today here. Thanks.